ब्लैक कलर की सूट में प्रीमियर पर पहुंचे ऋतिक काफी हैंडसम लग रहे थे। ऋतिक, आप क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको पसंद किया जाएगा, और हाँ तो क्या आप उसके बाद हॉलीवुड फिल्म्स पे काम करेंगे? Well, this is an international market. I'm in London and I'm getting a lot of love. So yeah, I'm hopeful. Barbara ने भी ब्लैक कलर की स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। No, not really. I hope people love the film. ऋतिक की सबसे बड़ी फिल्म के प्रीमियर पर उनकी माँ पिंकी रोशन, पत्नी सुजैन और बहन सुनैना समेत पूरा परिवार मौजूद था। बहुत बड़ा दिन है, एक इस लाइक एग्जाम, इतनी सारी पिक्चरें बनाई हैं मैंने, फिर भी दिल धड़क रहा है, कुछ एंग्जाइटी है, कुछ नर्वसनेस है। इस फिल्म को लेके कुछ अलग से एग्जाइटी लग रही है? बहुत ज्यादा अलग से हो रहा है, बिकॉज वी हैविंग अ प्रीमियर इन लंदन, वी जस्ट फिनिश्ड अ प्रीमियर इन न्यूयॉर्क, सो इट्स ऑल एक्साइटमेंट एंड बज़ एंड विश अस ऑल द बेस्ट। आप अपने भाई की फिल्म के लिए यहाँ पर आई हैं, काफी एक्साइटमेंट है, कैसा लग रहा है? इट फील्स ग्रेट टू बी हियर एंड सिंस आई एम द को प्रोड्यूसर ऑल्सो, इट्स एक्साइटिंग दैट दे ऑल लव माय ब्रदर सो मच एंड होपफुली काइट्स शुड डू वेल। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल और कई बड़ी हस्तियों ने भी काइट्स का प्रीमियर शो देखा। लंदन के ओडियन वेस्ट एंड थिएटर के बाहर इस प्रीमियर के मौके पर ऋतिक के काफी फैंस मौजूद थे, क्या देसी और क्या विदेशी, हर कोई ऋतिक के रंग में रंगा नजर आ रहा था। कोई ऋतिक को देखने आया था तो कोई उनका ऑटोग्राफ लेने, क्योंकि ये उसका रीमिक्स वर्जन सब वो हॉलीवुड रिलीज हो रहा है, और है ना ऋतिक रोशन है, बाबरा मोरी, बाबरा मोरी। तो आप बाबरा मोरी को देखने आए हैं? ऋतिक दोनों को देखने आए हैं, क्योंकि ऋतिक रोशन इंडिया में काफी बड़े स्टार हैं। लोग ऋतिक की फिल्मों के गाने गा रहे थे। तो है जाना तोहफा क्या लेके आए, दिल ये बताना, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झुल मिलाएंगे, तो हंस देख दुनिया को है हसाना, ए मेरा दिल तू गाए जा। देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यू नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना युवा मैं सोनिया। काइट्स का पहला प्रीमियर न्यूयॉर्क में हुआ था और अब दूसरा लंदन में हुआ। भारत में काइट्स इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है, विदेश में तो लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है, पर अपने देश में ऋतिक की काइट्स कितना ऊंचा उड़ेगी ये जल्द ही पता चल जाएगा।